महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है एक मिशन पर और इस मिशन का विशुद्ध उद्देश्य है मंगली जातकों या जातिकाओं के लिए शीघ्र विवाह का उपाय उपलब्ध करवाना। आज हम द्वादश भाव अर्थात ट्वेल्थ हाउस में जिसके मंगल है, उनका यदि किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके बहुत ही विलक्षण, बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारिक असरकारिक उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्यचंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, मंगल पर हमने लगभग लगभग सभी प्रश्नों को, सभी कलेवर को समेटते हुए एपिसोड बनाए हैं। यदि आप विस्तार से उन्हें देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, यहाँ जाकर के आप उसको विस्तार से देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जाने कि ट्वेल्थ हाउस का मंगल व्यक्ति को क्या क्या विशेषताएं प्रदान करता है। साथियों, ये आप जो स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। द्वादश भाव, ट्वेल्थ हाउस, या फिर व्यय भाव, कुछ भी नाम इसको दिया जा सकता है। यदि यहां पर मंगल देव विराजमान है तो ये करार दे दिया जाता है कि ये जातक या जातिका एक मंगली जातिका है, एक मंगली जातक है। और यहीं से फिर इसकी दुविधा की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो इसके दिमाग में यह बैठाने का कार्य किया जाता है कि तुम्हारा विवाह होगा ही नहीं, होगा तो बहुत मुश्किल से होगा, और हो भी जाएगा तो फिर दाम्पत्य जीवन खटास से भरा हुआ होगा। साथियों, हमारा ये मिशन इसीलिए है कि चाहे आप मंगली हैं परंतु किसी भी प्रकार की देरी आपके विवाह में नहीं होगी, और वो उपाय आपको क्या है उसके आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल किस भाव में मंगल होने से आपको कौन सा उपाय करना है, सभी मंगलियों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं, इसलिए आपको अपनी कुंडली हाथ में लेकर के और इसका मिलान करना है, देखना है और फिर वही तत्संबंधी आपको उपाय करना है। साथियों, ट्वेल्थ हाउस जो है, इस भाव का, इस घर का जो कारक ग्रह है वो है गुरुदेव बृहस्पति। यदि यहां पर गुरुदेव स्वयं विराज हो जाए अर्थात वो मंगल के साथ में युति कर ले, या कुंडली में कहीं बैठ करके भी यदि वो द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टिपात कर रहे हैं तो फिर ये मंगल दोष लगभग समाप्त हो जाएगा, ये दृष्टि उत्तम दृष्टि मानी जाएगी और इनके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। ये जो व्यक्ति है ट्वेल्थ हाउस में मंगल होने के कारण इंट्रोवर्ट होता है, बहुत कम बातचीत करना पसंद करता है, कम बोलता है परंतु अच्छा बोलता है, तोल मोल कर बोलता है। इनके बारे में लोगों को बहुत आसानी से गलतफहमियां हो जाती है। ये जिस कार्य स्थान पर कार्य करते हैं या इनके रिश्तेदारों में, इनके बारे में गॉसिप्स या अफवाहें बहुत जल्दी ही फैल जाती है, जिनका कि इनको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी झेलना पड़ता है। 24 वर्ष की आयु के आसपास इनका भाग्योदय अवश्य होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। 24वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटती है जिससे इनका करियर एकदम से बूस्ट प्राप्त करता है और ये आगे बढ़ जाते हैं। एक विचित्र सा संयोग ऐसा होता है कि ये जिस किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं वो इनका प्रथम द्वितीय प्रयास में कभी भी नहीं होता, हमेशा अंतिम प्रयास में ही इनका कार्य होता है।
इनको यदि खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो मंगल ट्वेल्थ हाउस में ऐसा व्यक्ति जो है वो मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है। शिक्षा जो इनकी एकेडमिक एजुकेशन है वो किसी और स्ट्रीम की होती है और व्यवसाय इनको कुछ और करना पड़ता है। ये अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अपने निकट के लोगों की हमेशा मदद करते हैं, परंतु ये अगर धन से किसी की मदद करे अर्थात किसी को धन उधार दे तो वो इनका वापस कभी भी वसूल नहीं होता। और जीवन के लगभग बीच में अर्थात 45 वर्ष की आयु के आसपास अपने किसी निकट मित्र से इनको एक ऐसी घात, एक ऐसा विश्वासघात प्राप्त होता है कि ये वापस शून्य पर आ जाते हैं और पुनः इनको अपनी जिंदगी ए से प्रारंभ करनी पड़ती है। तो साथियों, ये सारी चीजें हमने देखी, जाना कि मंगल ट्वेल्थ हाउस में क्या क्या प्रभाव देता है। परंतु यदि आप भी शीघ्र विवाह के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आपको फिर किसी भी रविवार से प्रातःकाल सूर्य जब उदित हो रहे हों उस वक्त उनको सूर्य को जल प्रदान करता है और उसके बाद में चाहे वहीं खड़े खड़े या आप वापस अपने कमरे में आकर के बजरंग बाण का पाठ करना है। ये दो अद्भुत चीजें हैं, सूर्य को जल चढ़ाना और बजरंग बाण का पाठ। जब इन दोनों का मिश्रण होगा तो ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये आपके विवाह में आ रही बाधा को समूल नष्ट करेगी। और कुछ महीनों में ही, लगभग 3 माह के भीतर ही एक बहुत ही सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा। और हां, कुंडली अवश्य मिलवाइएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है लतिका सक्सेना जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोटा राजस्थान से। डाइवोर्स का आपके मुकदमा चल रहा है, द्वितीय विवाह कब होगा, ये दोनों आपने प्रश्न पूछे हैं। अभी जो गोचर की स्थिति है उसके अनुसार लगभग 1 साल आपको डाइवोर्स के लिए और वेट करना, इंतजार करना पड़ सकता है। नवमेश होकर के सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है, क्योंकि द्वितीय जो विवाह है उसकी स्थिति हमें नवम भाव से देखनी होती है। तो उसके लॉर्ड का, उसके स्वामी, उसके अधिपति का अष्टम भाव में जाना एक अच्छा लक्षण नहीं है। इसलिए कुंडली द्वितीय विवाह में अच्छे से किसी विद्वान से मिलवाएं। मैं आपको अभी केवल शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की द्वादश भाव में मंगल की, उपायों के बारे में भी चर्चा की। इसी चर्चा के दौरान हमने बतलाया कि ये जातक जो है इसका भाग्य उदय किस उम्र में होता है, वो संख्या आपको लिख करके भेजनी है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।